कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे और अपने बच्चे से अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीजी बर्ड ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपके भाई का फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रोग्रेस वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी बजीज की प्रोग्रेस की वीडियो। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी बजीज कैसे चल रहे हैं, आप बजीज की प्रोग्रेस भी दिखाएं, पिंचेस से हट के भी थोड़ा सा बनाएं, अपने पिंचेस दिखाएं और डब अपने डब दिखाएं, कबूतर दिखाएं, बजीज दिखाएं। तो मैं आज सोच रहा था आपको बजीज दिखाऊं, काफ़ी दिन हो गए मैंने बजीज की प्रोग्रेस नहीं दिखाई आपको। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियो में आपको बजीज की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देर नहीं करता, आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाना शुरू करता हूँ। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपको दिखाना शुरू करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है हमारा खाली है इस टाइम, और यहाँ पे हमारा होगो का मेल है और एक बजरी की मादी है। होगो के लिए मेरे पास फीमेल नहीं थी अभी अवेलेबल, इसकी वजह से मैंने इसको ऐसी बजरी के साथ छोड़ दिया, कल ही छोड़ा मैंने। ऐसी मैंने बोला चेक करते हैं क्या होता है। इसके साथ के बच्चे हैं जिसके जो मैंने रेड आइज़ के साथ लगाए थे क्रस्टेड के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी पहले जो फीमेल थी वो कौन सी थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो होगो रोमो है हमारा, उसकी जो फीमेल थी वो ये वाली थी, ये वाली फीमेल नहीं, ये वाली नहीं थी, ये तो दूसरी के साथ थी। वो फीमेल बैठी हुई अंदर, आपको नज़र आ रही होगी वो करस्टेड के अंदर, वो देखें तो आपको करस्टेड की फ़ीमेल नज़र आई होगी, वो फ़ीमेल थी इसके साथ। तो हम लोगों ने जब इसके बच्चे बड़े हो रहे थे तो हम लोगों ने इसको अलग कर दिया, और जब तक हम लोगों ने दूसरी मादी के साथ लगा दिया था। उसके बाद जो हमने मादी उसको दी वो ये वाली मादी थी, रेड आइज़ की ये वाली मादी। इसके साथ हुआ मसला पैर में, और इसके पैर का कोई मसला चल रहा था, ये उड़ना बिल्कुल छोड़ दिया था इसने। अभी तो फिर भी माशाल्लाह उड़ गई, वरना ये उड़ भी नहीं पा रही थी अपनी जगह से। तो आप तो देखा अल्लाह खड़ी हो गई है अपनी जगह से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मर जाएगी। ये देखिए, देखा अभी आपने छलांग मारी लेकिन उड़ नहीं पा रही, पता नहीं क्या कमज़ोरी हुई इसके साथ। और इसने इसमें 5 अंडे दिए हुए थे, तो हम लोगों ने आगे इधर उधर पोस्टर कर दिए। चले अब आते हैं हम दूसरे पेयर की तरफ। यहाँ पर हमारा एक पेयर था TCB का, सही है, मेल जो है अंडे अनफर्टाइल कर रहा था, तो हम लोगों ने मेल को जरूर दे दिया रेस्ट, और इसके साथ हम लोगों ने ये वाला मेल दे दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, किंग का मेल है, देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन मेल है। और इसने जो दिए हुए हैं, ये देखिए अनफर्टाइल अंडे रखे हुए ऊपर, ये TCB की मादी है। माशाल्लाह पहला बच्चा है चो चुका है इसका, माशाल्लाह आप लोग लाजमी बोलें। और मादी इसकी दोबारा से अंदर जा चुकी है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं तीसरे पेयर की तरफ। ये हमारा एग्जीबिशन का मेल है, ये देख सकते हैं आप लोग, एग्जीबिशन का मेल है और इसके ये बच्चे हैं। एक तो ये रेड आइज आपको नज़र आ रहा होगा, ये झांकर है, आपने देखा इसके अंदर एक रेड आइज की ब्लड लाइन है, जो हर क्लच में एक रेड आइज बच्चा लाजमी निकालता है। अच्छा, एक बच्चा इसका ये दाना खा रहा है, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, अभी छोटे हैं ये, आज ही मटकी से आए हैं। और एक बच्चा उसका वो रहा सैनमन में, ये इसका एक बच्चा। असल में आप बोल रहे होंगे एग्जीबिशन का मेल है लेकिन बच्चे से छोटे निकालें, तो इसकी जो मादी है वो थोड़े छोटे साइज़ की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो अंडों पे आ रही है दोबारा से, ये देखें ये मादी है इसकी, ये छोटी मादी है, ये बड़े बच्चे भी निकालती हूँ। मैं आपको इसके पिछली क्लास के बच्चे दिखाऊँगा, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये हमारे TCB का पेयर है, इसकी हमने वीडियो डाली थी, बार बार खोल के बाहर आ जाता, तो हमने देखे इसको यहाँ से भी तार से बांध दिया, ये भी तार से बांध दिया, ये भी खोल के बाहर आ रहा, तो हमने डंडी फंसा दी ताकि ये ऊपर खोल ही ना पाए। तो अब इसके मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। इसने एक बच्चा फर्स्ट ब्रीड थी इसकी, तो एक ही बच्चा निकाला है इसने, बाकी हम लोगों ने दो इसके अंदर फोस्टर कर दिए बजरी के। तो आपको नज़र आ गए होंगे,
दो बच्चे उसमें टफ्टेड के हैं और एक मेरे ख्याल से दूसरे कलर का है। तो दो इसमें बजरी के बच्चे हैं और एक इसका अपना बच्चा है। तो यह पेयर हो गया, तो इसने तीन बच्चे निकाले हैं माशाल्लाह से। और एक पेयर हमारा ये है बजरी का, जिसपे हम लोगों ने छः पेयर जो हैं बजरी के रखने थे। तो एक पेयर हमारा बजरी का ये है, इसने इसके जो इसके दो बच्चे हैं जो हम लोगों ने ऊपर डाल दिए, जो आपको नज़र आ रहे होंगे टफ्टेड के। तो अभी देखते हैं इसने दोबारा से एग ले किए या नहीं किए। मादी तो अंडों पे आ चुकी है। अभी इसने अंडे नहीं दिए दोबारा से। अच्छा, एक पेयर हमारा ये है, टीसीबी का मेल है और इसके साथ वही मैंने आपको दिखाया क्रस्टेड की फीमेल है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने अंडे देना शुरू किए हैं। हाँ, इसके अंडे हैं मौजूद। ये देखिए पहला अंडा आपको नजर आ गया होगा। तो इसके अंदर एक या दो अंडे हैं। अच्छा, एक पे हमारा बजरी का ये है, एक बजरी का पेयर हमारा ये वाला मौजूद है। इसके माशाल्लाह से चार बच्चे। दो बच्चे ये हैं और दो बच्चे इसके इधर बैठे हैं। तो तीन से चार बच्चे इसके मौजूद हैं माशाल्लाह से। एक पेयर हमारा यहाँ पर है बजरी का। अच्छा, ये सब जो है ना हमारी होम ब्रीड है। ये पेयर भी होम ब्रीड है, ये भी होम ब्रीड है माशाल्लाह से। और इसका मेल होम ब्रीड है, ये पेयर होम ब्रीड है, इसका मेल होम ब्रीड का भी आपको दिखाता भी रहता हूँ। ये होम ब्रीड का पेयर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो बच्चे माशाल्लाह हैं इसके, चार निकाले थे फर्स्ट ब्रीड में, लेकिन दो जो हैं इसके एक्सपायर हो गए, शॉर्टेज है, दो बच्चे पाल रही है। बाकी ये पेयर मैंने अभी लगाया है, इसकी फीमेल जो हमारे ब्रीड कर चुकी है पहले भी बहुत बार, और ये मेल हमारा होम ब्रीड है। ये टफ्टेड का क्रस्टेड का मेल है और ये भी खाली है, क्योंकि ये मैंने पेयर परसों ही लगाया है। एक पेयर हमारा ये है, ये भी हमारी माशाल्लाह होम ब्रीड का है, एक जैसे पेयर है ये माशाल्लाह। चार अंडे मौजूद हैं इसके और चार अंडे इसके फर्टाइल हैं। तो ये हमारे छः पेयर ये हो गए, ये इसमें पांच पेयर तकरीबन हमारे होम ब्रीड गए। अभी ये पिंजरा खाली है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन बच्चे मौजूद हैं और ये तीनों छोटे हैं, अब सेल्फ फीड पे आ चुके हैं। तो इनकी लग रही थी कुटाई, इसकी वजह से मैंने इनके माँ बाप अलग कर दिए, अब खुद से खाते हैं, ये बड़े हो रहे हैं। देखें आप लोग बड़े प्यारे कलर निकल रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको होगोरोमो दिखाया अपना येलो वाला, उसके साथ क्रस्टेड की फीमेल लगाई थी, तो इसके साथ के बच्चे ये निकले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तीन क्रस्टेड हैं, इस वाले की देखिए मार लगी थी, जो मैंने फीमेल अलग कर दी थी, इस वाले की मार लगी थी, ये आप देख सकते हैं इसका सर छिला हुआ है। तो इसकी वजह से मैंने फीमेल अलग कर दी थी और दूसरे मेल को दे दी, जब तक फिर ये हमारा जो येलो वेलो होगोरोमो है वो अपने बच्चे पालने लगा। ये तीनों बच्चे उसके हैं और एक जो कोने वाइट वाला है वो किसी और का बच्चा है, देख सकते हैं आप लोग। एक येलो वाला जो है वो फ्रिल बैग भी है, होगो ब्रेड जिसे कहते हैं माशाल्लाह। ये सही, ये भी होम ब्रीड के हैं, ये भी होम ब्रीड है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने जो जमा किए हैं अपने कलेक्शन, तो वे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी होम ब्रीड तकरीबन जमा हुई भी है, तो ये आप देख सकते हैं सब होम ब्रीड है। साइड से दिखाता हूँ मैं आपको,
यहाँ से दिखाता हूँ। टोटली माशाल्लाह होम ब्रीड है हमारी है। ये होकोरोमो जो वाइट वाली है ये फीमेल है, आपको पता होगा बहुत पुरानी फीमेल है, लेकिन ये मट्टी में जाती नहीं है ना पेयर बनाती है किसी के साथ। बाकी ये हमारे बजीज हैं सारे, ये कॉमन बजीज हैं सारे के सारे। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। ये सारे जो हैं सेल आउट के हैं। अच्छा अब ये आ जाते हैं हमारे पास कुछ एग्जीबिशन की, जो हमारे पास ब्रीड आई हुई थी और इन सब की जो ब्रीड आई हुई थी किसी भी वगैरह की, तो ये हमारे पास जमा हुए हैं। अच्छा मैंने आपको दिखाया एग्जीबिशन का हमारा मेल, आप लोगों ने सोचा होगा यार इसके बच्चे तो छोटे आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बच्चे पुराने वाले। तो इसका एक बच्चा ये ऊपर स्पेंगल जो बैठा हुआ है ब्लू कलर का, ये बच्चा बैठा हुआ है, इसका आप साइज़ देख सकते हैं आप लोग। और एक बच्चा इसका रेड आइज जो पुराना वाला था, ये नीचे से आ रहा है ऊपर, सही है। अच्छा एक बच्चा आप ये देखें, ये सामने आपके सामने आ रहा होगा, ये इसका साइज़ देख सकते हैं। अभी ये मोल्ड करेगा, ये देखें अभी ये मोल्ड करने के बाद फिर आपको पता चलेगा जब मैं आपको दो महीने बाद दोबारा दिखाऊँ। एक बच्चा इसका ये है, ये भी मोल्ड कर रहा है, इंशाल्लाह इनके साइज़ बड़े हो जाएंगे। अच्छा ये एक हमारे टीसीबी का बच्चा है, इसका साइज़ देख सकते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा साइज़ है। और एक ये पिक्चर है टीसीबी, ये हम लोग को रोकना है, ये वाला है टीसीबी जो ऊपर जा रहा है, ये भी रोकना है। और एक ये मेल भी रोकना है, और एक ये मेल रोकना है, बाकी सारे सेल कर देंगे हम लोग। ये रेड आइज का पेयर आप जो ऊपर देख रहे हैं जा रहा है, ये हो सकता है रोक ले हम लोग। और ये सेल का है, ये ब्लू वाला सेल का है, और ये इनका बाप बैठा हुआ ऊपर। तो ये हमारी टोटली होम ब्रीड है, ये टोटली होम ब्रीड है, सिर्फ एक मेल को हटा के अल्हम्दुलिल्लाह सारी होम ब्रीड है। ये भी एक दो को हटा के सारी अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड है। तो ये थी हमारी बजीज की कलेक्शन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं लाजमी कि बजीज की कलेक्शन आपको हमारी कैसी लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4-5-6 पेयर से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25-30 पेयर हो चुके हैं हमारे पास और सारे मिला के। तो बजीज की तो अच्छी प्रोग्रेस हमारे पास यहाँ पे आ रही है, लेकिन फिंचेस का थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, म्यूटेशन फिंचेस का। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होता है क्या नहीं होता। हम गैलरी में ले जाने का मूव करने का सोच रहे हैं, अब देखते हैं गैलरी में ब्रीड आती है कि नहीं आती है, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट में लाजमी बताएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।